दोस्तों, ये है भारतीय राज्य महाराष्ट्र का बड़ा ही महत्वपूर्ण अकोला जिला, जो अपने कपास उत्पादन के मामले में पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला है, जिस वजह से इस शहर को कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। साथ ही यह शहर विदर्भ क्षेत्र के मेजर सिटी में से एक है, जो नागपुर और अमरावती के बाद तीसरा सबसे बड़ा शहर है। अकोला जिले की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो अकोला जिला महाराष्ट्र राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्से में मोरना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। वहीं यह जिला अपने कई पड़ोसी जिलों से अपनी सीमाएं साझा करता है। अकोला जिले के उत्तर पूर्व में अमरावती जिला, दक्षिण में वासिम जिला और पश्चिम में बुलढाणा जिला स्थित है। दोस्तों, अकोला जिले के इतिहास पर नजर डाले तो अकोला जिला समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए अपने आप में एक खास महत्व रखता है। यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर व स्मारक आज भी मौजूद हैं और इस जिले का संबंध महाभारत काल से रहा है और पुराने समय से यहाँ पर हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम शासकों का शासन रहा है। 124 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए अकोला शहर की वर्तमान अनुमानित आबादी लगभग 20,16,000 लोगों की है। वहीं इस शहर के लिंगा अनुपात की बात करें तो यहां पर 1000 पुरुषों पर 946 महिलाओं का लिंगा अनुपात पाया जाता है। दोस्तों, धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो अकोला जिले की कुल आबादी में 61.07% हिंदू, 19.70% इस्लाम, 18.8% बौद्ध और 0.95% अन्य धर्मों के लोग इस जिले में निवास करते हैं। अकोला जिले की मुख्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। जिले का अधिकांश भूभाग काफी ज्यादा उपजाऊ है, जिस वजह से यहाँ के अधिकतर लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से कपास, सूरजमुखी, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर और मक्का जैसी फसलों का उत्पादन भरपूर मात्रा में किया जाता है। शिक्षा के मामले में अकोला शहर काफी आगे रहा है। यहाँ की कुल साक्षरता दर 88% है, जिससे यह पता चलता है यहाँ के लोग काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। यातायात के माध्यम से देखें तो अकोला जिला रेल मार्ग, सड़क मार्ग जैसे मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग, अकोला जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन व अकोला जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन हापुड़ नागपुर मुंबई मेन लाइन और अकोला सिकंदराबाद लाइन पर स्थित है। अकोला जंक्शन रेलवे स्टेशन अपने रेल मार्ग के द्वारा देश के कई शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टिविटी प्रदान करता है। सड़क मार्ग, अकोला जिले से होकर नेशनल हाईवे संख्या 6 गुजरती है, जो आगे चलकर सूरत को कोलकाता से जोड़ती है। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं अकोला जिले के कुछ खूबसूरत पर्यटन स्थलों के बारे में, जो इस जिले की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल नरनाला का किला, कटेपुण वन्य जीव अभयारण्य, सलासर बालाजी मंदिर, वान डैम, दुधनी झरना, प्राचीन छतरी, अशोक वाटिका, नेहरू पार्क जैसे कई खूबसूरत पर्यटन स्थल अकोला जिले में मौजूद हैं, जिनकी सुंदरता का लुत्फ उठाने के लिए आप यहां पर घूमने के लिए आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।